नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एंड व्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे, मैं गीतु दीक्षित। न्यूज एंड व्यूज की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव की आहट एक बार फिर से तेज हो चुकी है। बीजेपी दमोह की धरा पर चुनावी शंखनाद करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश भाजपा के मुखिया वीडी शर्मा और प्रहलाद पटेल के अलावा नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की मौजूदगी चुनावी आगाज के रूप में देखी जा रही है। भले ही तारीखों का भी ऐलान न हुआ हो, लेकिन बीजेपी का ये पंचामृत दमोह में प्रत्याशी चयन पर भी मंथन अभी जारी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। अगीत जी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और दमोह के दौरे पर है और जिस तरह से दमोह की राजनीति में भी काफी उथल पुथल मची हुई है, किस तरह से उसको समझा जाए? देखिए, अगर यूं देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यूं तो सरकारी दौरा है, क्योंकि वो कई स्वागतें देंगे वहां पर, बहुत बड़ा एक आयोजन, वो सरकारी आयोजन। लेकिन उसके पहले, उसके अगर इधर जाकर बात करें ऋतु, तो जो उपचुनाव होना है दमोह में अगर जो उपचुनाव होना उसको लेकर इन तीनों, मतलब नेता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का वहां मौजूद रहना, इस बात को निश्चित तौर पर साबित करता है कि अब उपचुनाव का आगाज हो चुका है। कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन को लेकर जो मंथन दौर चल रहा था उसको लेकर अब अमली जमा पहनाया जाएगा। इसके बाद ये मानकर चलिएगा कि इन तीनों नेताओं के बीच में जिन प्रत्याशियों के चयन को लेकर बात होनी, वो वाली बातें होंगी। आखिर रणनीति क्या होगी, भाजपा की जिम्मेदारी किसकी होगी और किन किन की तैनाती होगी उपचुनाव में, क्योंकि भाजपा इस उपचुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। कांग्रेस जरूर थोड़ा सा इसको लेकर पीछे है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा का पंचामृत है दमोह की धरा पर जब जो रणनीति बनाएगा वो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ और बीजेपी की लगातार यहाँ सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार दौरे बैठकें यहाँ पर जा रही है, किस तरह से उसको राजनीतिक गलियारों में देखा जाए? देखिए, राजनीतिक विधिकाओं की बात करूंगा ऋतु, तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो राहुल लोधी के जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो ये तय माना जा रहा था, एक तरह से तय है कि राहुल लोधी की टिकट वहां से तय है। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे दावेदार हैं जिसको लेकर चर्चाएं मंथन दौर चल रहा है, क्योंकि जयंत मलैया के बेटे खुद भी इसमें दावेदार हैं, वो भी बिल्कुल तैयारी में जुटे हुए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू और सबसे बड़ी बात जो आएगी कि प्रहलाद सिंह पटेल और वीडी शर्मा की क्या राय शुमारी निकल कर आती है, आखिर वो किसको समर्थन देते हैं, किसकी इच्छा से टिकट देना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि दो दौर की बातचीत हो चुकी है। आज वहाँ एक तरह से मैं इसको इस लिहाजे में देखता हूँ कि दमोह की धरा पर आज चुनावी शंखनाद हो जाएगा, क्योंकि ये दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और अति विश्वसनीयता का साथ आएगा। बीजेपी में अगर प्रत्याशी की बात करें तो राहुल लोधी का नाम तो आपने लिया, इसके अलावा क्या और भी कोई यहाँ बड़े नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, सिद्धार्थ मलैया दावेदारी कर रहे हैं, सिद्धार्थ मलैया जो कि जयंत मलैया के बेटे हैं वो हैं, और की तमाम नेता हैं। लेकिन अगर प्रमुख तौर पर जो नाम देखे जा रहे हैं वो ये दो ही नाम है, दो ही नामों में से फैसला एक का होना है और उस पर मंथन इन तीनों को करना है। तीनों ही नेता तय करेंगे कि आखिर भाजपा का सिरमौर कौन होगा, वहां से प्रत्याशी कौन बनेगा। हमारे साथ फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रहलाद पटेल आज दमोह के दौरे पर है, किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, उसको सीधे तौर पर देखा जाए ऋतु, दरअसल अब चुनावी मोड आ गया है। आप देखें कि चुनावी जो पांच राज्य हैं उनमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, संभावनाएं जताई जा रही थी कि दमोह उपचुनाव का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन दमोह उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ उसमें। इसके बाद आज सभी दिग्गज, यानी कि भाजपा के जो प्रमुख दिग्गज हैं, वो दमोह पहुंच रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश की गवान संभालने वाले बीडी शर्मा हो, या फिर प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल का वहां सीधा दखल है उस क्षेत्र में, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और रही बात बीडी शर्मा की, तो बीडी शर्मा चूंकि हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं, हर तरफ सक्रिय रहे हैं, बुंदेलखंड की सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्हें बुंदेलखंड की नब्ज अच्छे से पता है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां जाएंगे, हालांकि कार्यक्रम वही है, किसान कल्याण निधि का वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन ये कार्यक्रम का आभा मंडल अलग है, मूल उसका जो है वो चुनाव ही है। और चुनाव में राहुल सिंह लोधी एक, आप देखें कि एक फैक्टर है, जो राहुल सिंह लोधी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी, यानी कि राहुल सिंह लोधी पहली बार के विधायक हैं, उन्होंने जयंत मलैया जैसे आप देखें दिग्गजों को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कांग्रेस जब सरकार बनी थी, तो ऐसे में अब जब वो भाजपा में आ गए हैं तो उनकी वजनदारी स्वाभाविक तौर से ज्यादा है, और वहां पर जाकर राहुल सिंह लोधी को ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि दावेदार भाजपा बनाएगी। लेकिन अभी वहां के सियासी समीकरण ऐसे हैं जो उलझे हुए हैं, क्योंकि जयंत मलैया क्या मानेंगे, क्या जयंत मलैया गौरीशंकर तेजवार की तरह शांत बैठेंगे जैसे रायसेन में हुआ था,
या फिर जयंत मलैया कुछ आंदोलित होंगे या उग्र होंगे या फिर दूसरा कुछ चेहरा बनाएंगे, अभी सिद्धार्थ मलैया की भी भागीदारी वहां पर होगी, तो ऐसे समन्वय बनाकर और राहुल लोधी को चुनाव लड़ाने का एक भाजपा का एक मोटो हो सकता है। और आज वहां पर चुनावी संकनाद है, जैसा कीर्ति ने कहा, बिल्कुल सही कहा। महन जी, इससे एक बड़ा सवाल है मेरा, जिस तरह से एक तरह से मैं त्रिफला भी कहूंगा और एक तरह से पंचाम रथ भी कहूंगा, क्योंकि गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह का नाम जोड़ना लाजमी है, लेकिन जिस तरह से दमोह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अगर प्रहलाद सिंह पटेल आते हैं तो लेकिन कांग्रेस के खाते में वो आदमी जाने की तैयारी में जो प्रहलाद सिंह पटेल का सबसे खास आदमी, मेरा आशय अवधेश प्रताप सिंह से है, आप क्या देखते हैं? बिल्कुल, अवधेश प्रताप सिंह वहां पर कद्दावर नेता हैं और प्रहलाद पटेल के करीबी माने जाते हैं, लेकिन आप यहां देखें कि भाजपा कभी भी किसी को भी विघटित करने के मोड में नहीं रहती, संगठित करने के मोड में रहती। आप जी देखें कि कितने बड़े बड़े किरदार हैं भाजपा ने एक सूत्र में पिरो दिया, चाहे आप जयभान सिंह पवैया का उदाहरण ले लें, चाहे गौरी शंकर तेजवार का उदाहरण ले लें, तो अभी जयंत मलैया की शुरुआती बगावती तेवर है ये हम देख रहे हैं, लेकिन अभी संगठन का जिस तरीके से समन्वय की बात जब सामने आएगी और बीडी शर्मा जैसा प्रतिनिधित्व हो जब, तो अब संगठन से यदि कोई ठीक से नहीं मानेगा तो संगठन को टेढ़ा करके भी मनाना आता है, और यदि फिर बिल्कुल नहीं मानेगा तो फिर संगठन उससे भी निपटने को तैयार रहता है। ऐसे उदाहरण उपचुनाव में हम देख चुके हैं गीत जी, तो ऐसे में अब ये नहीं कहा जा सकता कि जयंत मलैया क्या भूमिका में होंगे। हो सकता है जयंत मलैया बगावत कर दें या सिद्धार्थ मलैया बगावत कर दें और वो अलग अपना किरदार वहां पर तय कर लें, लेकिन पार्टी की लाइन से बाहर जाने के बाद आप समझें कि भाजपा से बाहर जा रहे हैं, और भाजपा एक छोटी मोटी पार्टी नहीं है, भाजपा आज लीडिंग पार्टी है और भाजपा की सत्ता है, तो ऐसे में उनको बगावत एक व्यक्ति से नहीं करनी पड़ेगी, पूरी भाजपा से करनी पड़ेगी। एक क्षेत्र के लिए भले ही उनका किरदार तय हो या वो अपने आप को उसमें महत्वपूर्ण मानते हो, चाहे वो जयंत मलैया की बात हो, सिद्धार्थ मलैया की बात हो, अवधेश प्रताप सिंह की बात हो, किसी की भी बात हो, लेकिन यहाँ पर समय के अनुकूल यदि वो चलेंगे तो भाजपा में कहीं ना कहीं उनकी महत्ता बनी रहेगी, नहीं तो उनका आप उदाहरण देखें, गौरी शंकर सेजवार को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा था भाजपा में मिलने के लिए बीडी शर्मा से, तो फिर ऐसी स्थितियां ना बने। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं, बुंदेलखंड की उमा भारती का उदाहरण देख लें। महन जी आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा, हमारे साथ प्रीतम सिंह बीजेपी जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रीतम जी आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। सर, जिस तरह से यहाँ पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल और वीडी शर्मा दमोह के दौरे पर हैं, किस तरह से इसको आपकी तरफ से देखा जाए? ये शिवराज जी का शासकीय कार्यक्रम है जी, और इसके साथ ही हो सकता है चुनाव का भी ऐलान हो जाए। प्रीतम सिंह जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्या दावेदार दो तगड़े दावेदार, आखिर चयन किसका होगा? देखिए, ये तो संगठन को तय करना है जी, हम लोग नहीं बता पाएंगे कि किसको तय करना है जी। ठीक है, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और शीर्ष नेतृत्व तो जिसको तय करके हमारे यहाँ भेज देगा जी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ लग जाएंगे और चुनाव में विजय श्री दिलाएंगे। उपचुनाव की तैयारियों में जिला की टीम कितनी मुस्तैद है? 100% मेरी टीम पूरी लगी हुई है, मेरे प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मेरे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी पोलिंग बूथों पर लगे हुए हैं, सभी पोलिंग बूथ पर मेरे लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ऋतु, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा की तैयारी दिखाई दे रही है और दमोह सीट के लिए यहाँ सक्रियता आप बीजेपी लगातार करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस में, हालांकि उस तरह का हिसाब किताब नजर नहीं आ रहा, तो किस तरह से इसको आगे जाकर देखा जाए कि बीजेपी कितनी सक्रिय यहाँ पर नजर आई है? प्रीतम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, बीजेपी मेरी हमेशा सक्रिय रहने वाली पार्टी है। बीजेपी केवल चुनाव को लेकर तैयारी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसका कार्यकर्ता 24 घंटा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आते हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक जाती है और जनता के कामों का जो भी बनता है अपना सहयोग करके उनके काम निपटाने का प्रयास करती है। तो भारतीय जनता पार्टी जन जन के हृदय में बसने वाली पार्टी है और वो कभी चुनाव करा ले तो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। प्रीतम जी, एक मेरा आखिरी सवाल, क्या जयंत मलैया इस पूरे दौरा कार्यक्रम में शामिल रहेंगे? हाँ, पूरे दौरा कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, ऐसी मेरी बात भी हुई है जयंत मलैया जी से, वो रहेंगे जी, रहेंगे सर। प्रदेश अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सबके होते हैं, सभी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कब तक पहुंच सकते हैं? यहाँ जो समय दिया वो 11:30 बजे आने का समय दिया जी। जी,
बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी भी जुड़ते हैं। महेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। गेट थ्री एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस के गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी डिस्कशन करेंगे। जिस तरह से अगर राजनीतिक समीकरण समझना चाहें दमोह सीट के, तो किस तरह से सामने आएंगे? देखिए, दमोह सीट जो है एक तो एक लोधी बाहुल्य सीट है, लोधी बाहुल्य सीट मान लीजिए सामने, और सबसे बड़ा वहाँ जैन समाज भी है, वहाँ कई जातियों का मामला है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ अभी तक जो है जयंत मलैया वहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं, जयंत मलैया की वहाँ एक तरह से धाक रही है। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से वो हारे हैं, अब उसमें कई तरह के आरोप लगे थे, भीतरघात के भी आरोप थे या उनकी सक्रियता नहीं थी। लेकिन जिस तरह से वो दावा करते हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट्स बहुत किए थे, डेवलपमेंट्स अगर बहुत किए तो फिर जनता ने नकार कैसे दिया इन सारे पहलुओं पर। लेकिन उसके बीच वहाँ कांग्रेस के राहुल लोधी अगर जीत के आते हैं, राहुल लोधी को फिर भाजपा में जगह मिलती है, भाजपा में जगह शर्त पर मिली होगी कि उनको टिकट मिलेगी उपचुनाव में। उसी नज़रिए से अगर देखा जाए तो राहुल लोधी पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा भाजपा का, और राहुल लोधी पे भी ज्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ बीजेपी कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं राकेश शर्मा बीजेपी से और राकेश सिंह यादव कांग्रेस से। लेकिन पहले आप दोनों का तो बहुत स्वागत है टीएनएन में। राकेश सिंह यादव जी, आपका पहले रिएक्शन लेना चाहूंगी। बीजेपी की सक्रियता तो यहाँ दमोह सीट के लिए दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोगों की किस तरह की तैयारी? देखिए, दमोह सीट 18 में भी कांग्रेस ने जीती थी, और कांग्रेस ने इसलिए जीती थी कि दमोह का जो डेवलपमेंट होना था, जो मंत्री हमेशा सालों से मंत्री रहे हैं जयंत मलैया जी, वो दमोह का डेवलपमेंट वैसा नहीं कर पाए थे। दुर्भाग्य से जो कांग्रेस का विधायक था वो इस पूरे परिस्थिति में बीजेपी के साथ गया और इस्तीफा दिया। आज बहुत स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो पहले से यह तय हो चुका है दमोह के उम्मीदवार जयंत मलैया जी होंगे, राहुल लोधी नहीं होंगे। ये बहुत स्पष्ट और साफ संदेश मुख्यमंत्री का पहले भी था और आज भी है। और आपको ध्यान होगा, शायद बीच में मलैया जी के यहाँ कोई गमी हो गई थी जब मुख्यमंत्री गए थे, जब काफी प्रदर्शन भी हुआ था। बीजेपी मानसिक रूप से तैयार है, क्योंकि राहुल लोधी को उन्होंने कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया और एक्साइट कर दिया। राहुल लोधी अब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए राहुल लोधी को टिकट नहीं मिलेगा, ये 100% तय हो चुका है भारतीय। यादव जी, ये तो रही बात भाजपा की, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी? कांग्रेस की पूरी तैयारी, कांग्रेस 2018 में चुनाव जीती थी, आज जो कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे निश्चित तौर पर कांग्रेस उन्हीं उसी विषय पर उसी आधार पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एक चुनाव है पूरे प्रदेश का नहीं है, सिर्फ दमोह का। नहीं तो प्रत्याशी चयन में भाजपा आगे है, कांग्रेस बहुत पीछे है। नहीं, भाजपा आगे कहाँ है, भाजपा का तो प्रत्याशी चयन है ही, जो हारे हुए उम्मीदवार है जयंत मलैया उन्हीं को लड़ाना है, तो जग जाहिर है। चलिए, मैं आपकी बात को आपकी ही नाम राशि राकेश शर्मा जी समझता हूँ। राकेश जी, क्या तैयारी है दमोह को लेके? आज जो है पंचामृत दमोह की धरा पर, क्या कुछ ऐलान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट बीडी शर्मा जी मध्य प्रदेश का दौरे कर रहे हैं। आपके चैनल पे अभी चला कि कटनी गए थे, वहाँ कितना ऐतिहासिक दौरा रहा, वहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक रही, कुलविद जनों से मिले, सभी तरह के कार्यक्रम, उसके बाद रीवा गए, अब सागर में और दमोह जाने की तैयारी माननीय अध्यक्ष जी की, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज दमोह पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो प्रवास कार्यक्रम चलते रहते हैं, पर कांग्रेस के विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि ये बाबूलाल चौरसिया कौन है, और इनके कारण अपन राकेश जी भटक रहे हैं, राकेश जी अपन भटक रहे हैं। नहीं नहीं, विषय नहीं भटक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो काम चल रहा है। इनके पास जवाब नहीं है उस बात का, जयंत मलैया का टिकट काटेंगे, राहुल लोधी को देंगे क्या? नहीं देंगे। देखिए, मैंने आपकी बात बड़ी शांति, मुझे नहीं लगता कि आप इतने विद्वान हो कि इस तरह की डिबेट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस की चिंता करो, बाबूलाल चौरसिया कौन है? अरे तो को क्या पूछने वाले को आप उम्मीदवार को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आप अपनी विचारधारा से भटक रहे हैं, आप अपनी विचारधारा को खत्म कर रहे हैं और हमारी बात कर रहे हैं। आप अपनी विचारधारा की बात करें, अरुण यादव चौरसिया ने किसके लिए प्रश्न उठा रहे हैं, दिग्विजय सिंह किसके लिए प्रश्न उठा रहे हैं, जरा उनके जवाब दीजिए, मेरी बातों को। चलिए, डिबेट का विषय नहीं है राकेश जी, दोनों राकेश जी को मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ।
बिल्कुल है। तो मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव की आहट अब तेज हो चुकी है और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा दमोह की धरा पर चुनावी शंखनाद करने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश भाजपा के मुखिया वीडी शर्मा और प्रहलाद पटेल के अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की मौजूदगी चुनावी आगाज के रूप में देखी जा रही है। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ लेकिन बीजेपी की सक्रियता एक बार फिर यहां दमोह सीट के लिए बढ़ती हुई नजर आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज यहां दमोह की सीट के लिए दमोह दौरे पर हैं और ऐसे में तमाम तरह की जो दमोह वासियों को सौगात देंगे। और आपको बताते चले कि बीजेपी दमोह की धरा पर चुनावी शंखनाद करने जा रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश भाजपा के मुखिया वीडी शर्मा और प्रहलाद पटेल के अलावा नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, बंगाल की जनता ममता दीदी से त्रस्त हो चुकी है, देश में चल रही है बीजेपी की आंधी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का यहाँ बयान सामने आया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर ममता सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, बंगाल की जनता ममता दीदी से त्रस्त हो चुकी है, देश में चल रही है बीजेपी की आंधी। क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, एक बार सुनाते हैं। तो मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा, कल परिवर्तन जो रैली है उसके दौरान मेरी 3 सभाएं होंगी रास्ते में परिवर्तन रैली के, और एक सभा हावड़ा साउथ के दानेश में होगी रात में। वहां तो संघर्ष का, चुनाव का बिगुल बज गया और भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। थोड़ा पीछे ममता दीदी घबराई हुई भी है और बौखलाई हुई भी, इसलिए परिवर्तन रैलियों पे हमले किए जा रहे हैं की हत्या की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ममता दीदी के कुशासन के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूट के खिलाफ पश्चिम बंगाल उठ के खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिलेगी अगली सरकार। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहां कांग्रेस में गौडसे समर्थक के एंट्री के बाद हुए बवाल के बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक कल रात इंदौर पहुंचे। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने उनकी अगवानी की। आपको बता दें कि इस अवसर पर कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद जिस तरह से अरुण यादव का ट्वीट, उसके बाद पत्र निकलकर सामने आया। मुकुल वासनिक आपको बता दें कि 27 और 28 फरवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के क्षेत्र में ही रहेंगे। इससे प्रदेश भर की निगाहें मुकुल वासनिक के दौरे पर रहेंगी। गौरतलब है कि यादव ने ग्वालियर में हिंदू महासभा के सदस्य रहे बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने पर आपत्ति भी जताई। मुकुल वासनिक 27 फरवरी को बुरहानपुर बड़वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। गीड्री जब भी ज्यादातर देखा गया है कि मुकुल वासनिक का मध्य प्रदेश दौरा होता है तो अटकलें कई तरह की लगाई जाती है, क्योंकि अब भी मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही हलचल देखी जा रही है। कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति, क्या उससे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, जिस तरह से प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का जो निमाड़ का दौरा है, निमाड़ का दौरा इसलिए ज़्यादा फोकस हो गया है क्योंकि जिस तरह से कल जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने जो एक चिट्ठी जारी करी है, चिट्ठी में जिसमें उन्होंने अपनी बात कही कि इस मसले में मैं मौन नहीं रहूंगा, तो इसको लेकर राजनीतिक
पंडितों की कई कयास सामने आए, एक तो क्या ये पार्टी की लाइन है या खुद अरुण यादव की लाइन है, ये सीधा हमला कमलनाथ पर है क्या, ये तमाम ऐसे कई कयास लगाए गए, लेकिन उस पर किसी ने भी, कल भी हम कई नौतन नेताओं से बात करने की कोशिश करते रहे, किसी ने कोई साफ राय कायम नहीं करी। उन्होंने सब कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि वो अरुण यादव की व्यक्तिगत राय है, लेकिन अगर व्यक्तिगत राय होती तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपनी बात पहुंचाते, प्रदेश अध्यक्ष से एक बार बात करते, लेकिन उन्होंने सीधे चिट्ठी जारी करके क्या संदेश दिया इसके मायने बहुत तलाशे जा रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश द्विवेदी जी भी जुड़ गए। ब्रजेश जी आपका बहुत स्वागत है, लेकिन उससे पहले गीत जी एक रिएक्शन में आपसे ही लेना चाहूंगी। जब पिछली बार यहाँ पे अभी दो तीन दिन यहाँ पे मुकुल वासनिक का दौरा था, तो उस टाइम पर लगातार कयास लगाई जा रही थी कि कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव आएगा। अभी चूंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह से चल रहा है वो भी आपने जिक्र किया, ऐसे में अब जिस तरह की स्थिति पहले तक लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस यहां माफी मांग सकती है या फिर बाबूलाल चौरसिया को अपने जिस तरह से हटा सकती है, क्योंकि दो फाड़ की स्थिति देखी जा रही थी, अब इसे किस तरह से समझा जाए? क्या मुकुल वासनिक के दौरे के बाद यहां पर बाबूलाल चौरसिया के साथ या फिर कांग्रेस अपनी गलती में सुधार करेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुकुल वासनिक और अरुण यादव के बीच में संवाद होगा, संवाद के माध्यम से ही हल निकलता है, लेकिन जिस तरह से अरुण यादव के तेवर तल्ख हुए हैं उसको देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि उनका एक साफ तौर पर मानना है कि गोडसे विरोधी को कांग्रेस में जगह नहीं दी जा सकती। लगातार अगर उन्होंने यहां तक अपने पत्र में उन्होंने नरेंद्र मोदी का उदाहरण दे दिया था, सांसद भोपाल की जो सांसद है प्रज्ञा ठाकुर को लेकर, तो ये सारे कई तर्क देखे जा रहे हैं, तो लेकिन कांग्रेस में अभी एक राय कायम नहीं हो पा रही कि बाबूलाल चौरसिया को ले तो लिया है, मतलब उनको लेना उनके गले की हड्डी बन गया है, गले की हड्डी बनने से कांग्रेस के कुंभ में बहुत कलह मच चुकी है। ब्रजेश जी, मैं आपका रुख करूंगी, मुकुल वासनिक का मध्य प्रदेश दौरा 3 दिवसीय, किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि जो बाबूलाल चौरसिया जो हिंदू महासभा के नेता थे, जिन्होंने जिनको कांग्रेस में ज्वाइन कराया है कमलनाथ ने, वो इस समय आज के समय में कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा मुद्दा विवाद है। इस विवाद में दो फाड़ स्थिति बनती जा रही है इस समय देखने में आ रहा है। अब चूंकि प्रभारी है प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, और जो कांग्रेस के जो कमलनाथ से जो संतुष्ट है, जो धड़ा अलग हो गया, जिनने इस मुद्दे को उठाया, जिसमें अरुण यादव जिसका देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व भी कर रहे हैं, तो लगातार ट्वीट पत्र हर हिसाब से उन्होंने खुल के मैदान पकड़ लिया है कि अब वो कमलनाथ के खिलाफ बिल्कुल सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन ये बात ऊपर तक जानी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर जानी चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा सोर्स होता है, सबसे अच्छी है, वही है जो उनके राष्ट्रीय नेता मुकुल वासनिक जो प्रदेश के प्रभारी है, वो अभी मध्य प्रदेश के दौरे पे हुई हैं। उनके सामने जब ये विवाद आएगा, जब वो देखेंगी कांग्रेस में स्थिति खराब है, तो ये बात जरूरी ऊपर तक जाएगी। जब ऊपर तक जाएगी तब इसका जो प्रभाव है वो पार्टी के कमलनाथ के प्रति खिलाफ जाएगा मामला। इसलिए राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है, कौन सा बयान किस, कौन सा विरोध किस समय पे किया जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे लगता है कि अरुण यादव ने बिल्कुल टाइमिंग पे सही समय पे जो अपना विरोध है वो प्रकट किया, क्योंकि आपको पता होगा कि कमलनाथ से एक असंतुष्ट धड़ा पहले से मौजूद था, लेकिन उन्हें कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा था जिससे वो खुल के सामने आ सके। तो अब ये जो मुद्दा आया, ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि इस मुद्दे से कमलनाथ खुद कटघरे में पार्टी के भीतर ही खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गीत जी, मैं आपका रुख करूंगी कि अब आगे की कांग्रेस को किस तरह से देखा जाए यहाँ पर? देखिए, कल जिस तरह से इंदौर पहुंचे थे मुकुल वासनिक, तो मुकुल वासनिक की अरुण यादव के छोटे भाई सचिन यादव से बातचीत भी हुई थी, मेरे सूत्रों की जानकारी उस पर। लेकिन जो अगर मूल मुद्दे की बात करेंगे ऋतु, तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी अरुण यादव से संवाद होना जरूरी है। अरुण यादव अगर उनके साथ दौरे में रहते हैं तो संवाद होगा, संवाद से ही समस्या का हल निकलेगा। लेकिन आखिर जो लाइन खींची, आपको बता दूं, अरुण यादव ने एक पल ट्वीट किया था तो उसमें जो है उनको कमलनाथ को नहीं किया था, बाकी सारे तमाम नेताओं को किया था, कमलनाथ को नहीं करना, ये एक लाइन समझ में किसी को नहीं आ रही है। दूसरी बात क्या, ये राष्ट्रीय स्तर से लाइन चली आ रही है, क्योंकि अरुण यादव को स्वाभाविक तौर से राहुल गांधी की टीम का मेंबर माना जाता है। राहुल गांधी और कमलनाथ के किस तरह के रिश्ते हैं आप और हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, इस लिहाज से कई सारे सवाल इस ट्वीट इस चिट्ठी के बाद खड़े हो गए।
बिल्कुल, तो कांग्रेस में गौड़से समर्थक के एंट्री के बाद हुए बवाल के बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक कल रात इंदौर पहुंच रहे। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने उनकी अगवानी की। इस अवसर पर कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद जिस तरह से अरुण यादव का ट्वीट सामने आया, उसके बाद पत्र निकलकर सामने आया, ऐसे में मुकुल वासनिक 27 और 28 फरवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के क्षेत्र में ही रहेंगे। इससे प्रदेश भर की निगाहें मुकुल वासनिक के दौरे पर ही रहेंगी। गौरतलब है कि यादव ने ग्वालियर में हिंदू महासभा के सदस्य रहे बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने पर आपत्ति भी दर्ज की थी। ऐसे में हमारे साथ फोन लाइन पर राजकुमार पटेल जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है टीएनएन में। ऐसे में मुकुल वासनिक का मध्य प्रदेश का 3 दिवसीय दौरा है, सर उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहेंगे, किस तरह की जानकारी? राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है। जी सर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का मध्य प्रदेश का 3 दिवसीय दौरा है और ऐसे में वो इंदौर पहुंच चुके हैं, जहां पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव से भी मुलाकात की उन्होंने। तो अब आगे किस तरह से उनके यहाँ पर दौरे हैं और किस तरह से बैठकें होंगी, सर आपसे जानेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मुकुल वासनिक जी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और वो कल इंदौर आ गए थे। आज सुबह उन्होंने ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारेश्वर जी का अभिषेक किया और अभिषेक के बाद वो अब बुरहानपुर के लिए रवाना हुए हैं। साथ में अरुण यादव जी, सचिन यादव जी और तमाम कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेतागण साथ में हैं। और मुख्य रूप से मुकुल जी का ये दौरा है वो संगठनात्मक दृष्टि से चल रहा है, जिसमें कि वो पूरे मध्य प्रदेश में एक नए सिरे से आने वाले समय में संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और सीधे कार्यकर्ताओं तक हम कैसे अपने संवाद को बढ़ाएं और कैसे इस समय जो आने वाले हमारे लिए लोकल बॉडीज का इलेक्शन है उसके लिए हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पटेल जी, इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल, मुकुल वासनिक और अरुण यादव के बीच चिट्ठी या ट्विटर को लेकर कोई बातचीत हुई? जी, चिट्ठी जो किस कल अरुण यादव ने जारी करी थी जिसमें उन्होंने बाबूलाल चौरसिया का विरोध किया था कांग्रेस में शामिल करने को लेकर, तो क्या उन्होंने ये आपत्ति मुकुल वासनिक जी को भी दर्ज कराई? देखिए, अरुण यादव जी ने जो पत्र लिखा है वो मुकुल जी के संज्ञान में आया है और उसके उसके बारे में अभी कोई विस्तार से बात नहीं हुई, लेकिन ओमकारेश्वर में पत्रकारों ने पूछा था मुकुल जी से जी। तो मुकुल जी ने साफ कहा कि कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा को लेके आगे चलती है, हम उनको लेके आगे रहेंगे, चलते रहेंगे। और उन्होंने भी नोटिस तो लिया है अरुण यादव जी ने जो बात कही उस चीज का, और अब तो आने वाले समय में वो क्या उस पर कहेंगे मैं आपको उसके बारे में बाद में बता पाऊंगा। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस में गौड़से समर्थक की एंट्री के बाद हुए बवाल के बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक, आपको बता दें कि कल इंदौर पहुंचे, मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने उनकी अगवानी की। इस अवसर पर कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। न्यूज एंड व्यूज में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए डीएनएन के साथ। नमस्कार। नमस्कार।